नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। बर्थ डिफेक्ट से ग्रस्त बच्चों को दूरबीन सर्जरी से होता है बेहतर ट्रीटमेंट, डॉक्टर संदीप टवर, पीडियाट्रिक सर्जन, बाल शल्य चिकित्सक। शिशु में किडनी की पिल्विक यूरिन ऑब्स्ट्रैक्शन कॉमन बीमारी है। प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे शिशु की बीमारियों का पता चल जाता है। शिशु में किडनी से संबंधित बीमारियों का पता चल जाता है। मौ के गर्भ में पल रहे बच्चे का सोनोग्राफी से किडनी की बीमारी का पता चलता है। किडनी में सूजन का मुख्य कारण है पिल्विक यूरिन ऑब्स्ट्रैक्शन जंक्शन। बच्चों में होने वाले बीमारी पिल्विक यूरिन ऑब्स्ट्रैक्शन को दूरबीन से प्रोसीजर से ठीक किया जाता है। मेल बच्चों में हाइपोसीडियस कॉमन बीमारी है जिसका अच्छा रिजल्ट है। अन्ननलिका श्वास नलिका से ठीक जुड़ नहीं पाती। रीढ़ के हड्डी के डिफेक्ट्स विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से आ सकते हैं। छोटे बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक सर्जन। हॉस्पिटल में मॉडर्न मशीनरी के साथ ही इकोनॉमिकल रेट्स में ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर संदीप टवर, पीडियाट्रिक सर्जन, बाल शल्य चिकित्सक। आइकॉन हॉस्पिटल, एड्रेस K12 भारत नगर, अमरावती रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट 8275054487777517006602122562222071225622. दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आइकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप हटवार जी। नमस्कार सर, आप एक पीडियाट्रिक सर्जन हो जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जैसे जो नवजात शिशु है, तो ये बच्चों में देखा गया कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होता है जी, जी, तो कभी कभी कैसे जुड़वा बच्चे आ जाते हैं, कुछ कॉन्जेनिटल के ये रहते हैं, डिफेक्ट्स रहते हैं, प्रीमैच्योर भी रहते हैं। आप ये बताइए कि एक पीडियाट्रिक सर्जन हो, किस तरह की सर्जरी परफॉर्म होती है शिशु के मामले में? देखिए, काफी सारे ऐसी बीमारियां होती है जो जन्म के पहले ही माँ के गर्भ में जब बच्चा पलते रहता है उसी समय ये सारी बीमारियों का पता चल सकता है। काफ़ी सारी बीमारियों का पता चलता है, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जिनका पता नहीं चलता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किडनी के संबंधित जो बीमारियां हैं इनका पता हमें जल्दी चल जाता है। तो हमें अगर ये सब बीमारियों का पता चल जाता है तो हमने तुरंत एक पीडियाट्रिक सर्जन का ओपिनियन हमने लेना चाहिए, जब बच्चा पैदा होने के पहले ही, मतलब कि बच्चा माँ के गर्भ में है, सोनोग्राफी में हमें पता चला कि उसके किडनी में कुछ समस्या है, तो हमने तुरंत में पीडियाट्रिक सर्जन का एक ओपिनियन लेना चाहिए कि हमने आगे अभी बढ़ना कैसे है, आगे जांच कैसे करवानी है और क्या क्या चीज़ें हमें और ज़्यादा चीज़ें मालूमात होना चाहिए सोनोग्राफी के ज़रिए। ये सब पता एक पीडियाट्रिक सर्जन के द्वारा ही मार्फत ही आपको अच्छे से पता चलेगा। सर, कुछ बच्चों में ये भी देखा कि यूरिनरी जो ट्रैक जो होता है उसमें भी डिफॉर्मिलिटी होती है, डिसऑर्डर होते हैं। जी हाँ, तो होते किस तरह से करेक्शन की प्रोसीजर होती है सर्जरी? देखिए, आमतौर पे एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका नाम है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब होता ये है कि किडनी में जो यूरिन बनती है वहाँ से वो पेशाब की थैली की तरफ जाती है, तो नाभि के ऊपर अपनी किडनी होती है, दोनों हाथ एक बाएं तरफ होती है एक दाहिने की तरफ होती है, और वहाँ से यूरिन बनकर वो पेशाब की थैली में आती है। तो वो यूरिन जब आती है तो एक छोटी सी पतली सी नली होती है जो किडनी के साथ जुड़ी होती है, किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम के साथ में, जिसको हम पेल्विस कहते हैं, और वो पतली सी नली को हम कहते हैं यूरेटर। इनका जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। तो ये जंक्शन में अगर ब्लॉकेज है या चोकअप है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ये एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में पलते रहता है उसी समय हमें पता चल जाता है कि किडनी पर सूजन है और उसका कारण, मोस्ट प्रोबेबल कारण उसका पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये बीमारी अगर हमें पता चल जाती है तो डिलीवरी के बाद हमें इसका कन्फर्मेशन लेना होता है, कन्फर्मेशन के बाद में हमें रेगुलर फॉलोअप पे बच्चे को रखना होता है, और फिर समय उचित समय आने पर उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। आज पहले के ज़माने में मैं जब आज अभी मेरे प्रैक्टिस को लगभग 30 साल हो गए हैं, पहले हम लोग इसे एक बड़े ऑपरेशन के जरिए करते थे, 50-60 टाके आते थे बच्चे के पेट पर, मगर अभी यही बीमारी पिछले कई सालों से हम लोग दूरबीन के द्वारा कर रहे हैं जिसमें हार्डली 1 या 2 टाके आते हैं, तो और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे अगर लड़का हो तो पोस्टीरियर थ्रल वॉल्स,
लड़की हो तो वसाइक्यूरेटरी रिफ्लक्स, इस टाइप की बहुत सी सारी किडनी से संबंधित समस्याएं होती है जिनका सही समय पर सही इलाज करने पर आगे भविष्य में बच्चे को कुछ भी खतरा बोलो या डेंजर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये पेल्विरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन वाली जो सर्जरी है जिसमें हम पाइलोप्लास्टिक करते हैं, ये एक कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है। उसके बाद में मेल चाइल्ड, मतलब अगर पुरुष लड़का हो, पुरुष बच्चा हो, तो उन्हें पोस्टीरियर रेट्रल वॉल्स, मतलब कि पेशाब की नली के बाहर जहाँ से पेशाब बाहर निकलती है लिंग से, वहाँ पर उनको एक पर्दा होता है, वो एक कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है। उसके बाद में लिंग से संबंधित जैसे हाइपोस्पिडियस कहते हैं हमें उसे, जिसमें कि पेशाब का जो छेद होता है वो लिंग के टिप पे न रहते हुए नीचे की तरफ होता है, लड़कों में होता है, हाइपोस्पिडियस इस बीमारी का नाम है। ये भी एक कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है और इन सारे ऑपरेशंस में अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का पेशेंट अगर पकड़ में आता है, जैसे मैंने अभी किडनी का उदाहरण दिया, उस टाइप से इधर अपने थोराक्स में, मतलब एक ट्रकियोसोफेशियल फिस्टुला नाम की भी एक बीमारी होती है जिसमें कि अन्न नलिका ठीक से बनती नहीं है और वो सांस की नली से यहाँ गले के वहाँ पर जुड़ जाती है, तो फिर बच्चा दूध नहीं पी पाता है, और या अगर जबरदस्ती से हम दूध देने की कोशिश भी करेंगे तो वो सारा दूध बच्चे के लंग्स में जाकर सीवियर निमोनिया हो जाता है। तो ये बीमारी जो है इसका ऑपरेशन हमें तुरंत करना होता है बच्चा पैदा होते से ही। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो थोड़ा सा डिले करेंगे ऑपरेशन तो भी चलता है। तो आमतौर पर जो आपका सवाल था कि कौन से क्षेत्र में ये बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे बेहतर मैं ये कहूँगा कि अगर एक पर्टिकुलर कोई बीमारी का बच्चा अगर हमारे पास में आता है तो हमने ये देखा है कि उसी बीमारी से संबंधित उसी महीने में काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। तो हो सकता है कोई एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हो जो अभी आज तक मेडिकल साइंस को ठीक से पता नहीं चला। ऑब्वियसली कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो फैमिली में चलती है, जीन डिफेक्ट्स के जरिए चलती है, तो वो एक अलग कारण होता है और ये एक अलग कारण है। और ऐसे जब बच्चे आते हैं तो हम भी सतर्क हो जाते हैं कि अभी हो सकता है आगे और ऐसे बच्चे आएंगे, और फिर हम लोग उस तरीके से तैयारियां भी शुरू करते हैं। देखिए कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके कारण अभी पता चले हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट जो होते हैं जिनको हम मेनिंगोमाइलोसिल कहते हैं या स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, तो ये डिफेक्ट्स अभी मेडिकल साइंस को ऐसे पता चला है कि एक विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है, इनकी डिफिशियंसी से ये डिफेक्ट बच्चों में आ सकते हैं। अगर माँ को इसकी पर्याप्त मात्रा में अगर इसका हम डोजेस दिए जाए और वो भी प्रॉपरली प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से अगर ये डोजेस उनको प्रॉपरली मिल जाए और ये डेफिशिएंसी से अगर माँ बच जाए तो हो सकता है बच्चे के स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी और भी बीमारियां जैसे रिसर्च चलते रहते हैं और भी कुछ बातें सामने आएंगी, वैसे वैसे हम एंटीनेटल काउंसिलिंग के जरिए ये सारे डिफेक्ट्स कहो या कुछ प्रॉब्लम्स जो बच्चों में आते हैं ये हम कवर अप कर सकते हैं। ये तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण बताया आपको फोलिक एसिड और विटामिन B12 का, ये तो इसका तो हमने पर्याप्त मात्रा में माँ को इसका सेवन करवाना ही चाहिए, इनका इनके डोजेस हमने उनको देने ही चाहिए। अब बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे हमें ना कुछ बताते हैं, ना हमसे ऑपरेशन के लिए बोलो या ट्रीटमेंट के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उनको एग्जामिन करके कि उनको क्या तकलीफ होगी, फिर कुछ टेस्ट करके कि उन्हें हम अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन करना चाहते हैं तो किस टाइप का हमें ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन के बाद उनका एक देखभाल करने के लिए हमें प्रॉपरली ट्रेंड सिस्टर्स बोलो या नर्स उनकी ज़रूरत होती है, प्रॉपरली ट्रेंड डॉक्टर्स उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि 24 घंटे मैं बच्चे के साथ तो नहीं रह सकता, तो मुझे एक टीम बनानी पड़ती है। उस टीम में हमारे साथ में प्रॉपरली ट्रेंड सिस्टर्स होते हैं, प्रॉपरली ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, और वो पूरी देर बच्चे की देखभाल करते रहते हैं। मशीनें होती हैं बच्चों को, जैसे न्योनेटल ICU हम कहते हैं, उसमें वार्मर्स रहते हैं, मल्टीपैरा मॉनिटर्स रहते हैं, जो ये सारी चीज़ें बच्चों का तापमान, बच्चों का हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नियंत्रित रखते हैं, वेंटिलेटर्स रहते हैं। तो ये
सारी चीजें रहना बहुत जरूरी है। हमारे पास में भी काफी पर्याप्त मात्रा में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसमें दूरबीन के द्वारा छोटे बच्चों का, मतलब इवन 1 महीने का या 2 महीने के बच्चे के भी ऑपरेशन हम दूरबीन द्वारा कर सकते हैं। छोटी छोटी दूरबीनें रहती है, काफी महंगे सामान होते हैं ये सब, वेंटिलेटर्स रहते हैं, मॉनिटर्स रहते हैं, ये सारे हमारे पास में है। और अभी रिसेंटली हमने पिछले 1 ही महीने में ही हमने काफ़ी सारे ऐसे छोटे बच्चों के ऑपरेशंस भी किए हैं और सारे बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त स्थिति में हमने डिस्चार्ज भी किए, फॉलोअप में भी आते हैं और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट भी हैं। देखिए कैसा है, आज एक अलग दूसरी स्पेशलिटी की हम अगर बात करें, जैसे ब्रेन का डॉक्टर हो गए उनको हम न्यूरोसर्जन कहते हैं, या हार्ट के डॉक्टर हो गए हम उन्हें कार्डियक सर्जन्स कहते हैं, या किडनी के डॉक्टर हो गए एडल्ट वाले जिनको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, वैसे अभी सर्व सामान्य जनता में हमें ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों के डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उन्हें पीडियाट्रिक सर्जन कहा जाता है, पीडियाट्रिशियन नहीं, पीडियाट्रिक सर्जन। और ये डॉक्टरों के पास में एक स्पेशल डिग्री हासिल होती है जिसके जरिए, जिनके उनके नॉलेज के जरिए, उनके स्किल के जरिए वो ये डिफेक्ट्स का पता करा सकते हैं और प्रॉपरली उसका इलाज कराकर, मतलब ऑपरेशन कराकर उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। तो ये सर्व सामान्य जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि पीडियाट्रिक सर्जन्स होते हैं जो बच्चों का इलाज, मेरे पास में काफ़ी सारे पेरेंट्स जब आते हैं तो उनका एक बहुत ही बेसिक सवाल होता है, सर हमारा बच्चा तो बहुत छोटा, इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन कैसा होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, बच्चा है तो क्या उसे बीमारी नहीं होगी? आप ये नहीं समझ सकते कि छोटे बच्चों को भी ऑपरेशन से ठीक होने वाली बीमारी का सामना करना नहीं पड़ सकता है क्या? बिल्कुल करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शहर में, आपके गांव में या आपके नज़दीक पास में कौन पीडियाट्रिक सर्जन है और उसके पास आपको पहुंचना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप अभी इंटरनेट में, गूगल में आप सर्च करिए तो आपको सब मिल जाता है, और आप या तो फिर आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं आप उनको पूछ सकते हैं पीडियाट्रिक सर्जन के बारे में, आप उनके पास जाइए, आप टेस्ट कराइए और प्रॉपर इलाज करवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा है, आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, और अगर ये पूरा स्वस्थ और अच्छा हो गया तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।